हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम शशि पाठक है और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज। फ्रेंड्स, मैंने फ्रोज़न मिक्स वेज लिया है सफल मटर का, जो सफल का आता है तो हम सफल मटर के नाम से जानते हैं, तो सफल का ही मिक्स वेज है ये। और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से निचोड़ लेंगे इसको हम। अब मैं एक कढ़ाई लेती हूँ, कढ़ाई के अंदर मैं डालती हूँ ऑयल। इससे पहले हम कैमरा सेट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने डाल लिया है और हमें इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, कम ऑयल में हमारा काम हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है ये सब्ज़ी। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है हमारी सब्ज़ियाँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बन रही है। आप इसे देख सकते हैं और अपने घर में बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार बनेगी। यहाँ पर सारी सब्ज़ी को हम अच्छे से भून लेंगे, हमारे मटर चटकने लग जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने सब्ज़ी को ध्यान रखिएगा अच्छे से वॉश करके निचोड़ के डाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाता है और 5 मिनट में सब्ज़ी भुन जाती है। और मटर फूटते हैं तो जब मटर फूटने लग जाएं, फटने लग जाएं अपने आप, तो इसे जल्द से जल्द निकाल लीजिए, फेस पे भी आने का डर रहता है थोड़ा सा। थोड़ा केयरफुली करिएगा काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारा जितना भी था इसके अंदर सब्ज़ी, वो मैंने निकाल ली है। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसमें डालूँगी हमारे साबुत मसाले, जो स्वाद के लिए थोड़े थोड़े मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है। अब स्टार अनीस होता है ना, जो स्टार वाला फूल होता है, वो छोटा सा एक बेबी सा पड़ा था तो वो भी डाल दिया है मैंने। 2 लौंग है, ये साबुत ही डाल रही हूँ फ्रेंड्स। और 1 मोटी इलायची, जो काली वाली इलायची आती है बड़ी, एक वो डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें तेज पत्ते, 2 से 3 छोटे छोटे वाले तेज पत्ता आप डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें ज़ीरा। ये देखिए, मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब ज़ीरा जो है अच्छे से चटक जाएगा, आप देख रहे हैं कैसे फूट रहा है। अब डाल दिया मैंने पिसे हुए टमाटर, पिसे हुए कह लो, दरदरे कह लो, मैं ज़्यादा प्यूरी नहीं करती हूँ, मोस्टली मैं दर ढाबा स्टाइल चीज़ें होती हैं तो उनमें दरदरा ही डालती हूँ। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। तो हम इसको अच्छे से पहले भून लेंगे और हम डालेंगे इसके अंदर हमारा ग्रेटेड अदरक। ये मैंने 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, अच्छे से इसको धो के ग्रेट कर लिया था छील के, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम हमारे बेसिक मसाले, जो नॉर्मल बेसिक मसाले घर में ही होते हैं। ये लाल मिर्च है 1 चम्मच, छोटा वाला 1 चम्मच, हल्दी, और ये डालेंगे अब हम, आप बताइए, गरम मसाला बहुत थोड़ा सा, 1/2 चम्मच से भी, मतलब 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसे। अब 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें देगी लाल मिर्च। और अब हम डालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी, ये देखिए, इसकी मैंने सूखी सूखी पत्तियां हैं इस तरीके से, 1 चम्मच के करीब ये भी डाल दिए मैंने। और इसे हम करेंगे अब मिक्स, अच्छे से हमें सारे मसालों को भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसमें अभी ये मसाले भून रहे हैं। अब हम डालेंगे इसमें मेन इंग्रेडिएंट, वो है दही। ये मैंने अदरक की कटोरी में ही दही ले लिया था तो मैंने ये दही भी डाल दिया है। 5-6 चम्मच होंगे ये, अगर अंदाज़ा बताऊँ तो ये अच्छा खासा दही है। आप इसमें डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, रिच ग्रेवी बनेगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार, बिना लहसुन प्याज के है, नवरात्रों में बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी है फ्रेंड्स। अब बच्चे ही कहते हैं ना, बाहर का खाना भूल जाएंगे बाहर का खाना। और ये देखिए, आप कितने अच्छे से पक रही है ये ग्रेवी। इसे हम धीमी धीमी आँच पर ऐसे ही पकाएँगे, थोड़ा थोड़ा अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं बीच में। ये देखिए, तेल छोड़ रही है सब्ज़ी, यानी कि ग्रेवी, तेल इसमें सेपरेट हो रहा है।
अब ये दूध ना सुबह मेरा घर में फट गया था, मैंने उसी का पनीर निकाल लिया, तो इसे वेस्ट क्यों करा जाए, मिक्स वेज तो बना ही रहे थे, सोचा इसी में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए तो ये सारा पनीर मैंने इसमें डाल दिया, इसकी वजह से ये जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। अब मैंने डाल दी हैं सारी भुनी हुई जो सब्ज़ियाँ थी मेरी तली हुई, वो सारी सब्ज़ियाँ भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं रंग कितना प्यारा आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है फ्रेंड्स, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, पूरे घर में पूरा किचन महक रहा है। ये डाल दिया मैंने नमक स्वाद अनुसार, और अब हम डालेंगे एक छुपा हुआ मेन इंग्रेडिएंट, हर कोई नहीं बताता, ये चीनी। ये क्या करेगी, दही को, मसालों को और हमारे जो नमक को बैलेंस करेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में थोड़ा सा टच रहता है इसका, तो अगर आपको पसंद आए तो आप डालिएगा, लेकिन डालेंगे तो आप देखना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। ये मैंने दही की कटोरी में पानी ले लिया था, वो मैंने पानी डाल दिया है, अभी मैं थोड़ा सा पानी और डालती हूँ। तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, क्योंकि दही वो जो पनीर है हमने एकदम क्रश करके ऐसे ही डाला है, ये देखिए, तो पनीर की वजह से ये गाढ़ी हो जाएगी सब्ज़ी, जो मिक्स वेज है ये गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए उबाल आ रहा है इसमें अच्छे से, देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है, और ये रखे रखे ना फ्रेंड्स गाढ़ी हो जाएगी, देखिए ये रखे रखे भी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, मैं कोई डेकोरेशन भी नहीं करूंगी, और मेरे घर में इसे बहुत खुश होकर खाते हैं, ये रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं। आप देखिए मैंने सिंपल तरीके से सर्व किया, मैंने कुछ धनिया वनिया नहीं डाला क्योंकि बहुत महंगा है धनिया, इसलिए नहीं डाला। थैंक यू सो मच, राधे राधे।